बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे शोहर जबरदस्ती दुबर में और मुंह में करते हैं, अगर ना करूं तो नाराज हो जाते हैं, फिर बात नहीं करते हैं। देखिए, ये मसला कुछ हया के खिलाफ है, लेकिन मसला बहुत अहम है, इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि मैं आपको इसका जवाब दूं। बहुत सारी खवातीन की तरफ से ये भी पूछा जाता है, अगर हम इस बात से इनकार करें तो शोहर बात करना छोड़ देते हैं, और शोहर बाज दफा पिटाई भी करते हैं, मारते भी हैं, जुल्म भी करते हैं, अगर उनकी बात ना माने तो। इस सूरत में औरत को क्या करना चाहिए, घर बचाए या फिर ये काम करे? देखो, जो शरीयत का उसूल और ज़ाब्ता है ना, अगर शोहर उस शरीयत के मुताबिक हमें कोई कहता है तो हमें उसकी बात मानने का इख्तियार है, हम उसकी बात मानेंगे। अगर शोहर शरीयत से हटकर कोई काम कहता है तो फिर औरत इस बात की मुकल्लफ नहीं है कि वो उसकी बात को माने। बात समझाने की तैयारी, शोहर ने कहा कि आओ हम मिस्री करते हैं तो एक उसका हक है, आप कर लीजिए बस। अगर शोहर कहे कि इस तरीके से करनी है, अगर देखे कि वो शरीयत के मुताबिक के खिलाफ है, अगर शरीयत के मुताबिक है तो भाई उसकी ख्वाहिश को पूरा करो, अगर शरीयत के खिलाफ है तो भाई बुरी बात। अब इस तरीके से दुबर में करना, पिछले रस्ते से करना, ये वो मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेज मौसूल होते हैं। अगर शोहर मजबूर कर रहा है तो तब भी औरत को इख्तियार नहीं है कि वो उसकी बात माने, उसे चाहिए कि वो उसको अल्लाह से डराए कि भाई जो ये काम करता है उस पर अल्लाह का आजाब आता है। कौम लूत वाला अमल है, कौम लूत पर अल्लाह का आजाब आया था, अल्लाह उनसे नाराज हो गए थे और कई किस्म का आजाब आया था। और हदीसे मुबारका में बड़े सख्ती से मना किया गया है इस काम करने को। डराए, अगर फिर भी वो ना डरे, जबरदस्ती करे, मार कुटाई करे, तलाक की धमकी दे, तो भाई फिर दीन को तो नहीं छोड़ सकते ना। ऐसा तो नहीं ना दीन को छोड़ दे, कोई और दीन इख्तियार कर लिया। दीन एक ही है, इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, दीन को फॉलो कर रहे हैं हमने। इस सूरत में अगर तलाक की धमकी तो दे दे भाई तलाक, जो किस्मत में है वो हो जाता है, आता है। बाज़ दफ़ा इंसान सोचता है कि अगर मैं इसे तलाक ले लूंगी तो मैं कहाँ गुजारा करूंगी, किसके साथ रहूंगी। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं, वइय्या तफर्रका युग़निल्लाहु कुल्ला मिन सअतिह। जब इंसान किसी मजबूरी के तहत, परेशानी के तहत जुदा हो जाते हैं, मफ़ूम अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह को गनी कर देता है। अगर आपने शरीक कानून को जाब्ता रखते हुए अगर आपने उसकी बात मान ली तो गुनहगार आप भी होगी भाई, आपने उसकी बात मानी है। अगर आप उसकी बात नहीं मानते क्योंकि अल्लाह नाराज हो गया, अल्लाह को नाराज नहीं कर रहा, दुनिया नाराज होती तो हो जाए, कोई परवाह नहीं है, अल्लाह खुश होना चाहिए। अगर अल्लाह के लिए आपने दुनिया को नाराज कर दिया, अल्लाह उस दुनिया के दिल में आपकी मोहब्बत डाल देंगे। अगर आपने दुनिया के लिए अल्लाह को नाराज कर दिया, अल्लाह ताला उस दुनिया के दिल में आपकी नफरत को डाल देते हैं। तो मालूम हुआ कि हर बात माननी है, लेकिन जो शरीयत के खिलाफ, आप दुबर में कर रहे हैं, शरीयत के खिलाफ है। शोहर नाराज होता है, होने दो, कुछ करता है करने दो, लेकिन ये बात माननी आपके ऊपर जरूरी नहीं है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो अक्सर हमारे घर ये रवाज चलता आ रहा है मूवीज को देखकर, मुंह में लेने का, मेरे दोस्तों भाई और बुजुर्गो, ये भी मकरूह फेल है। दारुल उलूम का फतवा है कि जायज नहीं है ये। जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेते हो तो उसी मुंह से ये काम करते हो, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, ये दोनों चीजों से बचना चाहिए। और याद रखिए, जो जुबान के जरिए मुंह के, इसकी बाज दफा कोई बड़ी बीमारी लगने का खदशा भी होता है। जिस काम को अल्लाह के नबी ने कहा है उसको फॉलो करना चाहिए, और जिस चीज़ से रोका है हमें उससे रुक जाना चाहिए। इसी में हमारी दुनिया में भलाई और आखिरत में भलाई है। अल्लाह ताला आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामुअलैकुम।